Chef Sasha's creativity knows no bounds, and he loves to cook contemporary Indian cuisine. All you need for this dish is some leftover Hyderabadi biryani, but the real star is his tomato and cashew nut sauce. Served on crispy biryani balls, it's the perfect canapé. How do we do this? So, I will show you this sauce, which is cherry tomato sauce. So, I want to know what this is. ये जो है जैसे अपना वेस्टर्न क्यूजिन में बोके गाने बनाते हम लोग जैसे यू नो पार्सले सेलरी वो सब उसके हिसाब से जैसे अपना क्यूजिन में बेलीफ सिनेमन कार्डमम क्लोव्स डाल के इसको फ्राई करता है ताकि वो जो है अपना सॉस में कुक करेगा तो अच्छा फ्लेवर्स आएगा जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं बट हम लोग जैसे मॉडर्न में यूज कर रहे हैं बट नॉर्मली ट्रेडिशनल में वो जो चीज़ मसाला जैसे सीधा डाल के सौते करते हैं अभी इसलिए मॉडर्न है तो हम लोग थोड़ा इसका ट्विस्ट किया And that little bouquet is ready to be infused in the pot. That's typical modern Indian cuisine for you. इसको भी डाल देंगे? हाँ, बस डाल देंगे। ओके। बढ़िया। ये जो चीज़ क्लास, जो मसलिन क्लास है, उसके अंदर से फ्लेवर बाहर आएगा। और चेरी टमाटर्स क्यों यूज़ करते हैं? हाँ, चेरी टमाटर इसलिए कि ये जो है काफी रिच इन विटामिन सी। और अभी आप इसको कितना टाइम के लिए पकाते हैं? बस ऐसे 3-4 मिनट और पूरी टाइम के लिए ये बुके अंदर ही रहेगा अंदर ही रहेगा जब तक पूरा सॉस बनाएगा तब तक अंदर रहेगा तो पूरा फ्लेवर्स निकलेगा कैसे स्पाइसेस यूज करें धनिया पाउडर है मेरे गरम मसाला है ये तो आपकी नानी ने नहीं सिखाया होगा नहीं बिल्कुल नहीं सो योर ओन इन्वेंशन ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने खुद बना रहे हैं ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंडियन फूड कमर्शियल इंडियन फूड इज फुल ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स पर ये देखेंगे तो आप आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैन बी सो कलरफुल इंडीड अभी आप इसमें और क्या-क्या डालेंगे? के अभी ये जो फेनुग्रीक है का हल्का से सौते कर लेगा। इसका फ्लेवर काफी स्ट्रॉंग है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रॉंग है। हाँ जी। ये जो सॉस का है मेन इंग्रेडिएंट ये है। अभी टमाटर पूरा पक गया। अभी हम लोग इसमें कैजनट पेस्ट थोड़ा से डालेगा। अभी थोड़ा सॉल्ट पेपर डाल के धनिया पत्ता पुदीना डाल के इसका जस्ट द लास्ट द हर्ब्स एंड थोड़ा सा नमक और बिल्कुल हो गया अभी हाँ ये तैयार हो गया अभी ये जो मसलिन क्लॉथ है अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं You wouldn't want that in your blender for sure. तो इसका last step क्या है? बस अभी ये तैयार हो गया, अभी इसको हम लोग प्यूरी करेंगे अच्छे से, एकदम सिल्की टेक्सचर आएगा। तो ये जो है अपना बिरयानी रेसिपी पहले बनाया था, वो जो राइस है, उसका भी उसको डीप फ्राई करके, उसको ऊपर ये सॉस का साथ चलेगा। ये तो इतने खूबसूरत हैं कि खाने का मन नहीं करता। तो ट्राई करें? बिल्कुल। देख लीजिए। तो ये है शेफ सैश के वेरी स्पेशल अपसाइकल बिरयानी बॉल्स विथ अ वेरी स्पेशल सॉस। बिल्कुल। इट्स डिलिशियस। थैंक यू। वेलकम। एंजॉय।